बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद कासिम खान और आप देख रहे हैं उस्मानीज एडवेंचर। जी, आज हम लोग बना रहे हैं बेसन का सख्त हलवा, उसको जिसको हम लोग टिकिया भी कहते हैं, और ये हमारे अज्जा हैं जो कि हमें दरकार होंगे। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स हमें आज चाहिए होंगे, उस इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चीनी जो है हमें चाहिए 1/3 कप, वाटर हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए 3/4 कप, हमें जो बेसन है वो हमें चाहिए 2 कप, और मिक्सिंग के लिए हमें दूध जो है 3 टेबलस्पून चाहिए और 3 टेबलस्पून घी हमें मिक्सिंग के लिए चाहिए, और ये जो है ये 1 कप घी। जब हम लोग इसको प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे तब हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। ये इलायची पाउडर है, ये शीरे में हम लोग मिक्स करेंगे, और ये जर्दे का रंग है तो उसके बाद हम लोग ये घी है थोड़ा थोड़ा, उसमें 3 टेबलस्पून हमने पहले से निकाल के रखा था। तो अब हम इसको हाथ धुले हुए मेरे, तो अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। हम लोग जो 3 टेबलस्पून मिल्क जो रखा हुआ है हम लोग उसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको 5 मिनट के लिए हाफ के रख देंगे। भी कर दिया था, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा, बस 2 से 3 सेकंड में हमने बस इसको किया। अब हम लोग चूल्हा ऑन करके हम अपने जो पैन में है ये 2 कप आपका इसको अच्छे तरीके से, इसके बाद हम लोग अपना ये जो हमने इसको ग्राइंड किया था हम ये देखें आप, हम अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे और इसको हल्की आंच में, ज्यादा तेज आंच में नहीं रखना, वरना फिर लगने का और जलने का और जायका में फिर चेंज आ जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोग हल्की आंच में इसको करेंगे। चाहिए देखें कितना अच्छा इसका रंग आ रहा है, और इसमें अगर आपको कलर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। तो अगर घुटियां बने तो उसको आप जरा सा देखें, इस तरह दबा दबा के हिलाते रहें ताकि ये घुटियां ना बने हमारे उसमें। अच्छा जी, ये देखें हमारा कलर कितना प्यारा, अति सुंदर हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग अब शीरा भी बनाएंगे, और हम लोग जो चीनी और पानी जो मैंने शुरू में आपको बताया था, अब हम लोग उसको दूसरे चूल्हे में हम लोग शीरा बनाने के लिए तैयार करेंगे, और जो उसका शीरा है जब तैयार हो जाए तो उसके जो लच्छे हैं वो 1.5 के करीब आना चाहिए, ताकि उससे पता चलेगा कि ज़्यादा हमें ना सख्त हलवा चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त नहीं हो जाना चाहिए, ना बिल्कुल ही नरम रहना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे मिठाइयाँ होती हैं, बर्फ़ी हो गई या आपका सोन हलवा जैसे टाइप का होता है, उस तरह हमें अब हम लोग जो है, अब ये हमारा ये है सारा प्रोसीजर जो है, जब ये हो जाए तब इसमें हम लोग जो है रंग डालेंगे, लेकिन बहुत ही छोटी सी चुटकी, ज़्यादा नहीं, वरना अजीब ही रंग आ जाएगा, तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और अब हम लोग जो है इस आंच को बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे, फौरन अगर रोक देंगे तो जो है ये गुटलियाँ बन सकती हैं। तो अभी आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि हमारा ये तवा जो है, पैन जो है ज़रा सा गर्म है, तो इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है। जब ज़रा सा हल्का हो जाएगा अब हम लोग अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे शीरा का। अच्छा जी, अब हम लोग जो है ये 3/4 पानी डालेंगे, उसमें हम लोग 1/3 ऑफ शुगर, अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये नहीं देखो, हमने इसमें शीरे में हमारा शीरा तैयार हो गया, इसमें हम लोगों ने इलायची पाउडर डाल दिया, ठीक है।
जी, अब ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है। अब ये हमारा जो शीरा हमने तैयार कर दिया है, इसमें आपको ये चेक करना है शीरा थिकनेस वो उसकी ऐसी हो कि देर जब आप उंगलियों को चिपका के देखें तो डेढ़ तार तक उसकी वो आनी चाहिए। मिक्स करेंगे और साथ ही के साथ हम लोग इसको जो है हम लोग इसमें हाफ कप ऑफ मिल्क ऐड कर देंगे थोड़ा सा भुनाई के बाद, और इसकी आंच जो है मीडियम कर देंगे जरा सा, तो इसमें हम लोग हाफ कप ऑफ मिल्क ऐड कर देंगे। और इसको हिलाते रहना है, ये देखें हमारी अब हल्की हल्की थिकनेस आती जा रही है। अब ये देखें हमने इसमें कलर भी डाला हुआ, ज़्यादा कलर नहीं डाला मैंने, बस इतना जितना मुझे ज़रूरत थी, और ज़्यादा रंग उसका ज़्यादा पीला या ब्राउन ना होना शुरू है, ऑरेंजिश ना हो जाए, बस ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट की बुनाई के बाद हमारा ये टेक्सचर सरा हो गया। अब इसको बस तेज़ी तेज़ी से, ये देखें चिपकना नहीं चाहिए, देखें आप ये कर रहे हैं, देखें अलग हो रहा है, तो ये इसकी पहचान है कि ये अब लगे नहीं, तो ये अब हमारा पहचान है। अब हम लोग जो है ट्रे जो है लेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग बटर पेपर डालेंगे और उसमें ऑयलिंग कर देंगे। अच्छा, ये ऑयलिंग करने के बाद हमने जो है इसको बटर पेपर लगाने की ज़रूरी नहीं है कि आप बटर पेपर लगाएं, हमने इसलिए लगाया ताकि ये आराम से निकल जाए। ऑयलिंग करने के बाद अब आप जो हमारा मिक्सर जो हमारा रेडी हो चुका है हलवा, अब हम लोग इसमें पोर कर देंगे। अब हम लोग जो इसको आप लेवल कर दें, बराबर कर दें। क्या ज़बरदस्त खुशबू भी है, क्या देसी घी की आ रही है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह टेस्ट में भी होपफुली बहुत अच्छा होगा। और इसको हम लोग थोड़ी देर रखेंगे और इसके ऊपर अब हम लोग लवाजमात लगाएंगे, उसमें जैसे कि आप बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, उसको क्रश करके ज़रा सा इसको हम लोग डालेंगे। हम जो है स्प्रिंकल कर देंगे इसको, पंखे के नीचे आप रख सकते हैं, फैन के नीचे 2 से 3 घंटे, उसके बाद हम लोग फ्रिज में 1 घंटा 1.5 घंटा रख देंगे, फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जी नाजरीन, हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, इसको हमने शेप भी दे दिया है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल उस्मानीज़ एडवेंचर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।